तो हिम्मत मत हारी, लगे रहिए, कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। मुझे 13 साल हो गए बीएड की और मेरे पिता भी जी भी नहीं, एक्सपायर हो गए हैं। मैं अकेला हूँ, मेरी 2 बहन हैं, मेरी माँ है, मेरी वाइफ और मेरी 2 बच्चियाँ हैं। मैं अकेला घर भी देखता था और कोई ऐसा नहीं था कि घर से हेल्प करे। मेरे एक मित्र थे जिनका 69,000 में हुआ था, उन्हें वही हमको पैसा दे रहे थे इलाहाबाद जाने के लिए। घर से पैसे की व्यवस्था इतनी नहीं थी, लेकिन हमारे एक मित्र थे यहाँ पर, उन्होंने कहा आप जाइए, जो पैसा लगेगा हम देंगे। और हम चले गए उनके उस, जो उन्होंने सहयोग किया हम उसके बहुत आभारी हैं। और हमने वही सोच के मेहनत किया कि इस बार नहीं होंगे तो बार बार कौन मदद करेगा। बस इतना कहना चाह रहे हैं, आप लोग मेहनत करते रहिए और वो मेहनत जाए नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सफलता कोचिंग की तरफ से और सभी की तरफ से। हमारी आवाज बहुत बहुत मुबारकबाद धर्मेंद्र जी को। देखो यही है कि केवल आपसे ये कितना कहना चाहते थे, इससे भी उन्होंने सर ने आपसे कहा कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करा, आप भी उसी संघर्ष को देखते हुए, क्योंकि सबकी समस्या ज्यादातर क्या कहना है, लगभग समझ लो कि 99% पब्लिक के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलती है, उन्हें बाहर जाने की सुविधा मिलती है, घर का पूरा सपोर्ट होता है, लेकिन ज्यादातर आप देखते होंगे, आप खुद देखते होंगे अपने आप कि आप संघर्ष कर रहे हो, अपना खुद मेहनत करते हो, खुद अपना जो भी फीस देनी होती है, आना जाना सब कुछ खर्चा अपनी जेब से देना होता है, सब कुछ अपने संघर्ष कर रहे हो। क्यों ना इस संघर्ष को ऐसा संघर्ष बना दिया जाए आप कि उसे एक लास्ट चांस, मतलब लास्ट बार कर दें। लास्ट बार का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट ही था, इस तरीके से मेहनत करें आप लोग, क्योंकि बार बार ये देखो मौका नहीं आया करते। मौका मतलब ये होता है, देखो मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से, चीज के लिए कहता हूँ कि हमारे पास में जिसे बोला जाता है ना कि गोल्डन चांस, तो गोल्डन चांस नहीं, हम मानते कि हमारे पास डायमंड चांस है। डायमंड चांस जानते होंगे होता है, डायमंड का मतलब होता है कि गोल्ड वाला, आप सब जानने भी होंगे। पर डे जो है देखो तेल कितना महंगा हो रहा है, आने जाने वालों को देखो कितनी परेशानी हो रही है, तो गाड़ी सारी कुछ दिन में पैदल आने शुरू कर दोगे आप, तो वो चीजें हैं। तो महंगाई इतने दिन ब दिन बढ़ रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ दुकान भी करने लगे या कुछ काम करें आप लोग, तो उसके घर के खर्च भी नहीं कर पाएंगे और बीमारी इतनी चल रही है, आप सब देखते होंगे। अगर 500 रुपये भी कोई पढ़ने कमा रहा है तो 500 रुपये बीमारी में खत्म हो जाएंगे आपकी, खाओगे कहाँ से, फिर इतना महंगा हो रहा आप लोग सब जानते हो। वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी मेहनत करिए, इतनी बड़ी संपत्ति तो है नहीं आप लोगों के पास, आप लोगों के पास इस तरीके से कुछ संपत्ति के माध्यम से कुछ काम करें, बस समझे ना। तो बस अपनी जो है टारगेट ऐसा बनाए आप लोग कि उसमें फिर जाए, बिल्कुल एक पागल की तरह हो जाए। एक पागल होता है जिस तरीके से उसे दुनिया को पता नहीं रहता कि मेरे साथ में कौन है कोई नहीं है, बस अपने एक टारगेट रखें और इतना प्रेम करें अपनी किताबों से कि रात दिन उसमें बढ़े रहें बिल्कुल एकदम। और ज़्यादा दिन नहीं बढ़ना, 2 महीने 3 महीने 4 महीने मिलना इसमें, और लाइफ भर फिर लाइफ जो है ना आपकी ऐसे गुजरेगी, स्मूथली गुजरेगी, आपको पता ही नहीं चलेगी। लाइफ बोले जाती है 7 जन्म होते ही 7 जन्म की प्राप्त करेगा टीचर की, तो समझ लो कि वो राजा बन गया, राजा वैसे पद खत्म हो गया, राजा जो आप नहीं बनते, लेकिन आप जो दूसरा रूप जो बना गया है वो एक टीचर के रूप में बना है राजा, उसका सम्मान भी है आप सब देखते होंगे, इज्जत भी है, पैसा भी है, हर चीज है उसके पास में, समय भी उसके पास, या राजा के पास समय होता कुछ भी कर ले। मोबाइल चलाया स्विच ऑफ करके रख दिया आपने, भविष्य है इन्होंने बना है इनका संघर्ष के माध्यम से ना, दिल की गहराइयों से, दोबारा से दिल की गहराइयों से, वर्णन भी नहीं है कि हम वर्ण बोले, कितनी इन्होंने मेहनत करी है उसके लिए हम दोबारा से क्या नाम है ना, शुभकामनाएं बोलते हैं कि शुभकामनाएं देती है दोबारा से इन्हें, है ना, दिल की गहराइयों से। घर जाना चले तो चले जाए, बैठा था तो पढ़ने बैठ के सब बोलना।